चलिए खबरों का रुख कर लेते हैं। मध्य प्रदेश में तीसरे चरण के मतदान के बाद ईवीएम को लेकर पोलिंग पार्टी मतगणना स्थल में जमा करने कराने पहुंची। भोपाल संसदीय सीट के लिए भी तीसरे चरण में मतदान हुआ, लिहाजा मतदान प्रक्रिया संपन्न होते ही पोलिंग पार्टी ईवीएम लेकर जेल पहाड़ी रोड पहुंची। आपको बता दें कि भोपाल संसदीय सीट के मतदान के लिए 2097 मतदान केंद्र बनाए गए थे। वहीं कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के साथ ईवीएम को पुरानी जेल में जमा किया गया। ये जायजा लिया संवाददाता दुर्गेश गुलशन यादव ने। होने के बाद अब जो पोलिंग पार्टियां हैं, मतदान कर्मी हैं, वो अपने जो ईवीएम और जो चुनाव सामग्रियां हैं, आवश्यक चुनाव सामग्रियां, वो लेकर के अब जो स्ट्रांग रूम बनाया गया है ईवीएम को सुरक्षित रखने के लिए, उसको स्ट्रांग रूम के बाहर से अब बसों से उतर रहे हैं जो मतदान कर्मी हैं, और उनके हाथों में आप तस्वीरों में देख सकते हैं ये वही ईवीएम मशीन है जिस ईवीएम मशीन में भोपाल संसदीय क्षेत्र के 22 उम्मीदवारों का जो किस्मत है, जो फैसला है, वो कैद हो चुका है। तमाम जो मतदान कर्मी है, जो मतदान दल है, वो लगातार राजधानी भोपाल के पुराने केंद्रीय जेल में जो स्ट्रांग रूम बनाया गया है, उस स्ट्रांग रूम में पहुंचने का सिलसिला जारी है जो देर रात तक चलेगा। और ये जो 2000 से ज्यादा जो मतदान केंद्र बनाए गए थे, उन मतदान केंद्रों के जो कर्मचारी हैं, चाहे वो महिला कर्मचारी हो या पुरुष कर्मचारी, जो पिंक बूथ बनाए गए थे, उनके भी जो मतदान कर्मी हैं, वो लगातार पहुंच रहे हैं। और सुरक्षा के लिहाज से यदि बात की जाए तो सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। जिला निर्वाचन अधिकारी, जिला कलेक्टर भोपाल और पुलिस कमिश्नर हरिनारायणचारी मिश्रा के द्वारा लगातार जो सुरक्षा व्यवस्था को 3 लेयर में बांटा गया है। और सुरक्षा के लिहाज से चाक चौबंद व्यवस्था आपको तस्वीरों में नजर आ रही होगी। ये पहली सुरक्षा की घेरा है, उसके बाद दूसरा सुरक्षा का घेरा, उसके बाद तीसरी, और लगातार जिस प्रकार से ईवीएम को लेकर के सुरक्षा बढ़ती जा रही है, स्ट्रांग रूम के अंदर बाकायदा बड़ी एलईडी स्क्रीन लगाई गई है, जिसको बाहर से जो राजनीतिक दलों के कार्यकर्ता हैं, जो दोनों दलों के कार्यकर्ता हैं, वो कार्यकर्ता बड़ी स्क्रीन के माध्यम से तमाम गतिविधियों को देख सकेंगे। उसके साथ ही जो सीसीटीवी लगाए गए हैं, जगह जगह सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं, उन सीसीटीवी कैमरों के माध्यम से भी निगरानी की जा रही है। तो कुल मिलाकर के बात करें तो भोपाल से जो 22 उम्मीदवार चुनावी मैदान में थे, उनके जो किस्मत का फैसला है वो ईवीएम में कैद हो चुका है। अब 4 जून को जब ईवीएम के माध्यम से वोटों की गिनती होगी, तो इन 22 उम्मीदवारों में से कौन बनेगा भोपाल का सरताज, इसका फैसला होने वाला है। फिलहाल सुरक्षा के लिहाज से पूरी चाक चौबंद व्यवस्था है। दोनों सियासी दलों के, राजनीतिक दलों के कार्यकर्ता लगातार स्ट्रांग रूम के बाहर डटे हुए हैं, और जो जिला प्रशासन है वो भी पूरी तरीके से मुस्तैद है। कैमरामैन हरिओम विश्वकर्मा के साथ दुर्गेश गुलशन यादव, अनादि टीवी, भोपाल।